मच्छर को। वही अनुभव गरुड़ जी को हुआ, लेकिन बहुत बाद में। तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो, उनको बहुत देर लगती है। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और शबरी, शबरी को तो राम के पास भी नहीं पहुंचना पड़ता, वो ज्यादा बुद्धि के तर्क में नहीं फंसी, वो तो बस गुरु जी ने कहा है कि एक बार ठाकुर स्वयं तेरी कुटिया पर आकर खड़ा हो जाएगा, और उस श्रद्धा से भजन कर रही है। और एक दिन शबरी को अयोध्या की यात्रा करने के लिए भी नहीं चलना पड़ा, एक दिन ठाकुर स्वयं अयोध्या छोड़कर शबरी की कुटिया की यात्रा करते हुए शबरी के पास आए। श्रद्धा महत्वपूर्ण है, विश्वास। श्रद्धा है भवानी, विश्वास है शंकर। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभ में कहा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम, स्वान्तस्थ है, सबके भीतर ही है ईश्वर, लेकिन उस ईश्वर का अनुभव तब तक नहीं होता जब तक श्रद्धा न हो, विश्वास न। तो भाई श्रद्धा कैसे बनेगी? बाजार में बिकती तो है नहीं। श्रद्धा कैसे होती है? बोले संतों महापुरुषों के सानिध्य में रहने से। संतों का संग करो। श्री कपिल भगवान ने तृतीय स्कंद में कहा, कल तो संक्षेप में हम सभी स्कंदों का दर्शन कर लिए थे, आज कपिल भगवान का पुनः स्मरण कराऊं। मां देवहूति को उपदेश करते हुए भगवान कपिल ने कहा कि मां, ये पुरुष और प्रकृति है, ये जो पुरुष है जीव वो प्रकृति के बंधन में, और ये प्रकृति जो है वो पुरुषोत्तम के अधीन है, जीव प्रकृति के अधीन है, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। सत्व गुण रजो गुण तमो गुण, गुण माने रस्सी, और तीन तीन रस्सी मिलाकर एक बना है मजबूत रस्सा, और उस मजबूत रस्से से जीव बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है? बोले वासना के कारण, मन में वासनाएं भरी है इसलिए बंधा हुआ है। तो वासना से छूटने के लिए उपासना आवश्यक है। उपासना का मतलब है उप माने समीप, उपासना समीप बैठना। किनके समीप बैठना है, किनके समीप रहना है? बोले जो संसार के बंधन से छुड़ावे उन मुक्त महापुरुषों के सानिध्य में रहना, उन संतों के पास रहो। वे संत कैसे होते हैं भगवान कपिल ने समझाया। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माण त्यक्तस्वजन बान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः संगस्तेष्वथते प्रार्थ्यः संगदोषहराहिते। संतों के लक्षण बताए। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने भी अपने मुख से संतों के लक्षण समझाए हैं देवर्षि नारद को। भक्तों के लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन जी को समझाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय। ये जो 8 श्लोक है अंतिम, कृष्ण को प्रिय भक्त कौन सा है उसका वर्णन है उसमें। मैं उसको कृष्ण प्रियाष्टक बोलता हूं। अंतिम 8 श्लोक कि भगवान को प्रिय बनने के लिए क्या करना चाहिए, भक्त को कैसा होना चाहिए, वो भगवान से ही सुनो। ये कैसी बात है कि एक छोरा शादी तो उसको करनी थी, लेकिन बहुत लड़कियों को देखा, लेकिन फिर भी कहीं हानि ही ना भरे, उसको संतोष ही ना हो।
20 लड़कियों को देख चुका, कईयों का बेचारे के नाश्ते खराब कर दिए। खर्चा तो होता है, ये लड़का जब देखने आए लड़की तो कईयों के घर नाश्ता कर ही आया, लेकिन लड़की को देखकर हानि ही नहीं भरे। तब फिर उसकी लड़के की बहन ने पूछा कि भाई आखिर तुझे चाहिए कैसी, तू बता दे ताकि हम फिर वैसी ढूंढे। तो जहां जिस लड़की को दिखाते हैं तुरंत कह देता ना मुझे नहीं जचती। अरे भाई क्या खराबी है, तुझे कैसी चाहिए चल ये बता, तू कैसी लड़की पसंद करता। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया आपको कैसा भक्त चाहिए, आप कैसा भक्त पसंद करते हैं, आपको कौन सा भक्त प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण ने, ठाकुर जी को तो हालांकि सब प्रिय है लेकिन अति प्रिय कौन है, 12वें अध्याय में अंतिम 8 श्लोक में भगवान ने बताया, वो है कृष्ण प्रियाष्टक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, आहा प्रेम की बात पहले आती है। अद्वेष प्राणी मात्र के प्रति अद्वेष, किसी का द्वेष नहीं। देखो द्वेष और प्रेम ये दोनों ढाई अक्षर के शब्द हैं, लेकिन एक जीवन देता है और दूसरा जीवन को छीन लेता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सर्वभूतानां प्राणी मात्र के प्रति। कोई यदि मच्छर को भी मारे तो, हमारे अहमदाबाद में थे महात्मा जी सरयूदास जी, आज भी उनका स्थान, तो वो कहते थे लोगों को भैया मत मारो मत मारो। बोले महाराज जी मच्छर काट रहे हैं। बोले मत मारो भैया मत मारो। बोले काट रहे हैं महाराज जी। बोले मत मारो, ठाकुर जी का हेलीकॉप्टर है। मच्छर को कहते वो ठाकुर जी का हेलीकॉप्टर है। बोले महाराज हेलीकॉप्टर है ठीक है लेकिन मुझे क्यों काट रहा है। बोले पेट्रोल भरने आया, ठाकुर जी ने ही तूने खिलाया पिलाया है, अन्न जल तो देने वाले भगवान है, उसी से बना है तेरा ये पेट्रोल लाल रंग का, तो इतना सा ले जाएगा भर ले, मत मार, ज्यादा से ज्यादा नहीं सहन होता है तो उड़ा दे, मत मार बेचारे को मत मार। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रक करुण एवच, वह सर्वमित्र होता है, वह किसी का शत्रु नहीं है। ऐसा भक्त चाहे विरोध करे कोई उसका तब भी वो तो उसका मित्र ही है। रामायण में आते हैं ना विश्वामित्र की कथा, तो वो विश्वामित्र गए राम जी को लेने और राम जी आए क्योंकि विश्वामित्र है। सर्व का सभी का मित्र होता है, जो शत्रुता करे उसका भी ये मित्र है। उसकी आंखों में करुणा होती, मैत्रक करुण एवच, मैत्री बादल बनकर के छाया देती है सामने वाले को, अगले को ताप से बचाती है, और फिर वो बादल जब बरसते हैं तो उस बरसात को करुणा कहते हैं। मैत्रक करुण एवच निर्ममो, मेरा मेरा नहीं करता जो, ममता से रहित है जो। भक्त तो कभी मेरा मेरा करेगा ही नहीं, क्या कहेगा, तन मन धन सब ही प्रभु है, सब कुछ तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, जय जगदीश हरे। कुछ भी मेरा नहीं तो ममता नहीं, निरहंकार जो अहंकार से रहित है, दीन है, समदुख सुख, सुख और दुख में समता को सदा बनाए रखता है।
हमारे एक महिला संत थे, बहुत तपस्विनी थी माँ, उनको हम पद्मा माँ बोलते थे, बहुत तपस्विनी। वो छोटे छोटे शब्दों में इतना बढ़िया बढ़िया बातें कहती थी माँ। तो बहुत एक बढ़िया बात उनकी है, वो कहती थी कि भैया सुख स्वप्न है और दुख मेहमान है। सुख स्वप्न है, अभिमान मत करो, ये सपना टूटेगा। और दुख बोले मेहमान है, दुखी मत हो, मेहमान है, जाएगा, चला जाएगा, कुछ दिन रुकेगा, तुम्हारे प्रारब्ध में है तब तक आया है, कुछ दिन रुकेगा, चला जाएगा। और मेहमान का तो ऐसा है भैया कि उसको जितना ज्यादा प्रेम दो, ज्यादा भाव दो, उतना ज्यादा रुकेगा। तो दुख में जो दुखी होता है, आंसू बहाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो दुख को प्रेम दे रहा है, हाँ, बहुत भाव दे रहा है, दुख का आदर कर रहा है। दुख को भी लगता है देखो रो रहा है, आंसू बाहर आ रहा है, इसकी आंखें सूखती नहीं है, देखो मुझसे कितना प्रभावित है। तो दुख भी ज्यादा, फिर मेहमान को ज्यादा रहने की इच्छा होती है। और आप मेहमान को भाव मत दो, ज्यादा प्रेम ना दो, तो जैसे काम निपटा फिर कहते हैं बस अब हम आज्ञा चाहते हैं, मेहमान चले जाते हैं। इसका मतलब दुख में भी जो मुस्कुराते रहते हैं, तो फिर दुख रूप मेहमान समझता है कि ये तो मुझे भाव ही नहीं देता है, चलो खिसको यहां से। तो सुख स्वप्न है, अभिमान न करो, टूटेगा सपना, टूटेगा। दुख मेहमान है, मत रो, मेहमान है, चला जाएगा एक दिन। तो सम सुख, सम दुख सुख, और क्षमी, क्षमावान होता है जो, भैया माफ करो, सबको माफ करो और दिल को साफ करो। क्या दिल में ये सारी बातें, कितनी फाइलें बना करके रखनी, और सबकी अलग अलग फाइलें, इसका ये अपराध है, इसका ये अपराध है, इसने ये, इसने मुझे ऐसा सुनाया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, सबकी फाइल भीतर। अबे तेरी अलमारी में अब कहीं जगह नहीं है, दिल की अलमारी में, अब सबकी फाइल साफ कर दे, क्लियर कर दे, माफ करो और साफ करो, अपने दिल को साफ करो, माफ करो, भूलो। समस्या है कि आदमी भूल नहीं सकता। सम दुख सुख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी। खैर वो ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन वो कृष्ण प्रियाष्टक है, श्री कृष्ण को प्रिय कौन सा भक्त। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से भक्तों के लक्षण बताए हैं अर्जुन को, रामायण में भगवान श्री राम ने संतों के लक्षण, संतन के लक्षण रघुवीरा, नारद जी सुनना चाहते हैं और भगवान श्री राम ने अपने मुख से सुनाए हैं। और यहां भागवत में श्री कपिल भगवान संतों के लक्षण माँ देवहूति को समझाते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। बहुत सुंदर सारे लक्षण हैं। बताया कि ऐसे ऐसे जो संत हैं माँ, उनका संग करो, उपासना करो, वासना मिटेगी तो प्रकृति का बंधन भी छूटेगा। नारियल जो होता है ना श्रीफल, तो उसको तो मंदिर में लोग जो तोड़ते हैं, पानी बह जाता है और फिर अंदर से वो जो कोपरा होता है उसको निकालते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद ले लेते हैं। लेकिन पूरा पूरा यदि कोपरा निकालना हो, सूखा वाला कोपरा मिलता है ना, और उसके दो हिस्से कर देते हैं। और कई जगह तो हमने देखा है कि हमारे जो भूदेव होते हैं, ये देवस्थापन में जब पूजा होती है तो वो कोपरा जो आधा होता है उसमें मेवा भर करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो जो पात्र में है वो भी खाओ और पात्र भी खाओ। जैसे वो आइसक्रीम नहीं खाते, तो आइसक्रीम में वो जो कॉर्न होता है, तो आइसक्रीम भी खा जाओ और कॉर्न भी खा जाओ। मैंने कहा ये गुड आइडिया,
ठाकुर जी को कोपरे के पात्र में ही मेवा भर करके भोग लगाओ कि प्रभु इसमें जो है वो भी खाओ और फिर इसको भी खा जाओ, वो गाजर की पपड़ी गाजर की पपड़ी होती है, बोले बजी तब तक बजी, वो फिर खा गए, वो वाली बात है। तो वो जो पूरा का पूरा टोपरा है वो कैसे निकलता है? तो कहते हैं उस नारियल को यूं खड़ा कर देते हैं, आधार दे करके खड़ा कर देते हैं, और बहुत दिनों के बाद नारियल के अंदर का जो पानी है वो सूख जाता है। जब सूख जाता है तो अंदर का कोपरा भी सिकुड़ने लगता है। बहुत दिनों के बाद वो कोपरा भी सिकुड़ेगा सिकुड़ेगा और जो काचली है उससे अलग हो जाएगा, और फिर हाथ में लेकर के उसको हिलाते हैं तो आवाज करता है, तो पता चलता है कि ये अलग हो चुका है। तब ऊपर वाला जो आवरण है उसको तोड़कर कोपरा पूरा का पूरा बाहर निकाल लेते हैं। बस ये काचली जो है ऊपर का सख्त आवरण, यही प्रकृति है। वो जो कोपरा है वह जीव है, और अंदर वाला जो पानी है वह वासना है। जब तक वासना का पानी है तब तक जीव को प्रकृति का बंधन है और उसके कैद खाने में वह रहेगा। क्या करना चाहिए? बोले उस पानी को सुखा देना है, वासना को मिटा देना है। तो जिस प्रकार नारियल खड़ा रहता है, बस यह तपस्या का मतलब है, खड़ी पोजीशन में ही रहना पड़ेगा नारियल को। देखो हमारे साधु महात्मा भी बहुत तपस्या करते हैं, यहां तक कि कहीं तो खड़े श्री होते हैं, न बैठते हैं न सोते हैं, खड़े श्री बाबा होते हैं, खड़े खड़े। और देखो हमारे पूज्य काठिया बाबा जी, ये भी काठिया बाबा बनने का मतलब तपस्या है कठिन भाई, इसमें तो ठीक से सोना भी कठिन काम, पूरी नींद भी नहीं। ये श्रृंगार है बाबा जी का, आप देखते होंगे कि ये क्या धारण किया है कमर में, ये तपस्या है साहब। आपको तो नीचे आसन ठीक नहीं लगा हो तो भी जमती नहीं बात, और फिर यहां ये लगा के और फिर सोना, तो सोना है ही नहीं, इसलिए ये सोने देगी नहीं ये चीज। तो निद्रा आदि का त्याग करके कठिन तपस्या करते हुए, तो इससे क्या होता है? बोले वासना का जो पानी है वो सूख जाता है, वासनाएं मिट जाती है इस तपस्या से। और तब क्या होता है? बोले जीव सिकुड़ना का मतलब है, हम कृष्ण के दास हैं, हम श्री राधा कृष्ण के सेवक हैं, हम प्रभु के उपासक हैं, हम प्रभु के दास हैं, सिकुड़ जाते हैं। और होता यह है कि तब प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब तक प्रारब्ध है प्रकृति के कैद खाने में रहना पड़ता है, और फिर जब प्रारब्ध का भोग हो गया तो फिर प्रकृति को तोड़कर प्रभु के शरण में चले गए। तो इस प्रकार की तपस्या के द्वारा धीरे 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 वासना सूखने लगती है और जीव प्रकृति से, उसके बंधन से मुक्त हो जाता है। मां ऐसे संतों महापुरुषों का संग करो, उपासना की आवश्यकता, ऐसे महापुरुषों के संग में बैठो। तो उनके संग में क्या होगा? भगवान कपिल कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रुत्करण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनी श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों के संग में भगवान की मंगलमयी कथा होती है। संतों के पास जाते हैं तो वहां कोई लौकिक चर्चा के लिए तो अवकाश है ही नहीं, संतों को लौकिक चर्चा में कोई रुचि भी नहीं। महाराज जी अब के आप चुनाव में कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है, ऐसा पूछना चाहिए क्या महात्माओं को? संतों के पास जाए तो केवल भगवत चर्चा हो। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, कान के रसायन रूप भगवान की मंगलमयी कथा संतों के सानिध्य में सुनने को मिलेगी।
और संतों के मुख से भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? बोले पहले तो श्रद्धा बन जाती, ये जो आपकी बुद्धि में तर्क ही तर्क भरे पड़े हैं ना, उसके स्थान पर श्रद्धा आ जाएगी। श्रद्धा, फिर रति, फिर भक्ति। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा रति और भक्ति। श्रद्धा रति प्रेम, दिनों दिन बढ़ने वाला प्रेम रति, और वह प्रेम हो जाता है परमात्मा में, उसका नाम भक्ति। भक्त्यापमान जात विराग इंद्रियात, उसका फल क्या है? बोले इंद्रियों के विषयों से विरक्ति होगी, और वैराग्य जब हो जाएगा, और फिर एक दिन भक्ति से ज्ञान रूपी बेटा भी प्रकट होगा, तब अपने भगवान का ज्ञान अनुभूति, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। अब उसको किसी तर्क की जरूरत नहीं है, परमात्मा अनुभव का विषय। केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर, भागवत कहता, अनुभव गम्य बजहि जहि संता, रामचरितमानस कहता, भगवान केवल मान्यता नहीं है, अनुभूति। ईश्वर केवल अनुमान का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। अनुभव करो तो भैया, महापुरुषों के सानिध्य में सतत रहने से, सत्संग के सातत्य से, इसलिए कर ही सदा सत्संग। भगवत कथा सदा सेव्या है, और उससे क्या होता है? बोले बुद्धि देवमयी होती। तो हम चर्चा ये कर रहे हैं कि हम केवल बुद्धिमान बन जाएं और बुद्धिमान बन करके रहे, ये पर्याप्त नहीं है, हमारी बुद्धि देवमयी हो, यह जरूरी है। देवमयी बुद्धि का नाम है देव की, वही श्री कृष्ण को प्रकट कर सकती है। और हमारा मन मलिन न हो, मन में वासनाएं न हो, मन विशुद्ध हो, इसलिए सत्कर्म का सातत्य, जप करो, तप करो, पूजा पाठ करो, गुरु जी ने जो नित्य नियम दिया है करते रहो, इससे मन शुद्ध होता है। विशुद्ध मन ही वसुदेव है। तो वसुदेव और देवकी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। कारागार में भगवान प्रकट हुए, लेकिन भगवान मथुरा में रहे नहीं, प्रभु मथुरा से गोकुल चले गए। मथुरा में कंस का आधिपत्य है, कंस है देहाभिमान, जहां देहाभिमान का आधिपत्य हो, देखो ये देहाभिमान जो है ना, वो विशुद्ध मन और देवमयी बुद्धि को पसंद नहीं करता, उससे उसको खतरा है। देहाभिमान को पता है कि इस विशुद्ध मन से और देवमयी बुद्धि से जो ज्ञान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होगा, तो देहाभिमान को पता है कि मैं मर जाऊंगा, फिर देहाभिमान टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। ज्ञान की जो आठवीं भूमिका है, और उसके ऊपर पहुंचने ही फिर देहाभिमान कहीं पर रह नहीं सकता। भगवान मथुरा छोड़कर गोकुल में पधारे, तो गोकुल क्या है? बोले स्थूल शरीर का प्रतीक है, ये पांच भौतिक जो देह है वही गोकुल है। गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह, इंद्रियों का समूह गोकुल, इंद्रियों का समूह दूसरे अर्थ में या शरीर। तो ये मन रूपी जो वसुदेव हैं, वही आनंद घन श्री कृष्ण को ले जाते हैं गोकुल में, यानी स्थूल शरीर में आनंद पधारता है। प्रकट तो हुआ है भीतर अंतकरण में, लेकिन अब स्थूल शरीर के माध्यम से जब प्रकट हुआ, तब क्या होता है? बोले तब उत्सव होता है। तो देखो, तब आदमी नाचता है, गाता है, स्थूल शरीर के माध्यम से आनंद का प्रागट्य। भगवान गोकुल पधारे,
गोकुल में प्रकट भय, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। सबको पता चला नंद बाबा के घर लाला भया। नंद कौन है? जो सबको आनंद दे वो नंद है, और उसको मिलता है परमानंद। श्री कृष्ण है परमानंद। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। यशोदा किसको बोलते हैं? बोले जो दूसरों को यश दे, यशांसि ददाति इति यशोदा। दूसरों को यश दे उसको बोलते हैं यशोदा। दूसरों की बड़ाई करना, दूसरों को यश देना सीखो। कोई कहे बहुत बढ़िया काम हुआ, बोले आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की सहायता ना होती तो कैसे हो सकता था। जो दूसरों को यश दे वो यशोदा, और उसका यश पूरे संसार में फैलता है कि देखो ये अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान की मां है। यहां गोपियां रहती है, गोप गोपी रहते, गोपी गो माने इंद्रियां, पी याने पीती है, गो भी पिबती किम भक्ति रसम सा गोपी। अपने इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति रसामृत का पान करती है उसको गोपी कहते हैं। जिसकी आंख श्री कृष्ण का ही दर्शन करती है, कान श्री कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, हाथ प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, मुख संकीर्तन करता है, चरण चलकर दर्शन के लिए दौड़ते हैं, जिनकी प्रत्येक इंद्रियां भगवान में ही लगी रहती हैं, जो अपने इंद्रियों के द्वारा भक्ति रसामृत का पान करती हैं उन्हें गोपी कहते हैं, गोपी जनिया रहते हैं। तो प्रभु आए नंद यशोदा के घर, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल लादो महामना। नंद बाबा जाताल लाद हो गए, भगवान का प्रागट्य हुआ, प्रभु पधारे तो जाताल लाद, कृताल लाद या नीताल लाद नहीं, जाताल लाद। आनंद किया नहीं, आनंद लिया नहीं, आनंद हुआ, भीतर से प्रकट हुआ। भाई नाचने से आनंद मिले तो एक बात है, और आनंद से नाचो ये दूसरी बात। कल तो हम देर तक नाचे, आधा घंटा तक नाचते रहे, बहुत आनंद लिया, तो ये नीताल लाद है। रात में 8 बजे तक हमने आनंद किया, कृताल लाद। लेकिन जाताल लाद किसको बोलते हैं? आनंद भीतर से प्रकट होता। नंद बाबा जाताल लाद हो गए, वेदज्ञ दैवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार कराया, कारया मास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा विधिपूर्वक पितरों की पूजा करी गई। जब पुत्र जन्म होता है तब पितरों के ऋण से मुक्ति मिलती है, तो पितरों की पूजा होती है। 7 तिल के बड़े बड़े पर्वत बनाए, रेशमी वस्त्र से आच्छादित करके ब्राह्मणों को दान में दिया, गायों का दान किया, पूरे ब्रजमंडल को सुशोभित किया गया। गोपियों को जैसे ही समाचार करणोपकरण खबर लगने लगी कि नंद जी के पता है, बड़ी खुशी का समाचार है, आनंद का समाचार है, बोले क्या आपको कुछ समाचार मिला, आपने कुछ सुना क्या? बोले नंद जी के घर लाला हुआ है इस उम्र में। क्या बात है, नंद जी के घर में पलना झूला, बड़ी उम्र में उनके यहाँ लाला हुआ। अरे हमारे गांव के मुखिया, हमारे नंद बाबा, उनके घर में लाला आया है। बड़ी प्रसन्न होकर के सब गोपियां सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करके हाथ में कन्हैया को देने के भेंट पदार्थ सजाकर मंगल गीत गाती हुई नंदालय की ओर गई। आइए गोपियों के पीछे पीछे हम भी चले जाएं, वरना नंदालय में इतनी भीड़ है कि घुसने का मौका नहीं मिलेगा। कभी कभी कहीं जाए और सारे दरवाजे बंद, क्यों? अंदर हॉल पूरा पैक है तो हमको अंदर जाने नहीं मिलता। लेकिन यदि कोई VIP आ जाए बीच में, और VIP के लिए दरवाजा खुले, तो उसके साथ साथ दूसरे भी 5 अंदर घुस ही जाते हैं। तो गोपियां जा रही है तो गोपियों के पीछे पीछे हो लो, तो द्वार खुल जाएगा गोपियों के लिए, तो उसके साथ साथ इन गोपिकाओं की कृपा से हमको भी प्रवेश मिल जाएगा। आइए वहां जाकर जो बधाई गीत सब गा रहे हैं, के बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना।
जय हो। Bye.